साईनाथ महाराज की जय। बाबा भली कर रहे। साई को क्यों पूजना चाहिए, साई की आराधना क्यों करनी चाहिए, साई पर विश्वास क्यों करना चाहिए, अक्सर ये प्रश्न हम सबके मन में उठता है। लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना, उनकी परवाह किए बिना साई के चरणों की ओर अकारण अहेतुक झुकते चले जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। न जाने क्या बात है उस फकीर में जिसने जीवन में अपने लिए कुछ फटे हुए लबादों के अलावा कुछ भी एकत्रित नहीं किया। ये कथा ले जाती है हमें उस साई के अंतरंग स्वरूप की ओर, जहां से वो हमको हाथ पकड़ करके इस भवसागर से पार कराने के लिए निकल पड़ता है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज के बाद कथा विराम लेगी और फिर निकल पड़ेगी अपने अगले पड़ाव की ओर। हम कथा में आते हैं, कथा में बैठते हैं। कुछ लोग तो तीन दिन से लगातार आ रहे हैं, तीन तीन घंटे बैठने का संकल्प लेकर। जब आप इस कथा से आज वापस जाएं, तो अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि हम तो तीन दिन इस कथा में बैठे, तीन दिन में कितनी कथा हमारे अंदर बैठी। इन तीन दिन में से अगर हमारे अंदर तीन सेकंड की कथा भी बैठ गई, तो ये जीवन और उसका अगला जीवन और उसका अगला जीवन सब सफल हो जाएंगे। साई नाम है नित्य सुख का, नित्य आनंद का, नित्य शांति का। प्रश्न ये है कि क्या हमको ये बड़ी आराम से मिल जाते हैं। नित्य सुख की आड़ में आ जाता है शोक दुख, जिसका नाता हमारे भूतकाल के साथ होता है। भूतकाल की कोई भी घटनाएं हैं, जो गुजरा हुआ कल है उसकी जो भी घटनाएं हैं, उनको हम अपनी गिरह से बांध के रख लेते हैं। किसी ने हमको दो चार शब्द खरे खोटे सुना दिए, किसी ने हमको अपमानित कर दिया, किसी ने हमको धोखा दे दिया, कोई वक्त जरूरत हमारे काम नहीं आया, हम उसका दुख मनाते रहते हैं। वो भावना हमें सुखी नहीं होने देती। जो बीत गई सो बात गई, आपके दुखी होने से वो क्षण वापस नहीं आएगा, चीजें बदल नहीं जाएंगी। जो हो चुका सो हो चुका। हमारे आनंद में बाधक बनता है मोह। वो सारी चीजें जो हमारे पास हैं, वो वर्तमान में हैं, वो हमें इस क्षण का आनंद नहीं लेने देती। हम आनंद उठाने के लिए कभी किसी कॉन्सर्ट में चले जाते हैं, कभी किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी को देख लेते हैं, कभी विदेश यात्रा घूम लेते हैं, कभी तीर्थ यात्रा में हम लोग उस आनंद को तलाश करते हैं, जबकि वो आनंद
हमारे अंदर होता है, हम लोग मोह में खिंचे हुए चले जाते हैं, अपनी फैक्ट्री में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने माता पिता में, अपने पति में हम आनंद को ढूंढते हैं, ये समझ नहीं पाते कि वो आनंद नहीं, वो मोह। हमारा भय हमको शांति से नहीं जीने देता। भय का ताल्लुक है फ्यूचर से, आने वाले कल से, भविष्य काल से। ये जो हमारे पास अगर है वो छिन जाएगा तो, आज जो फैक्ट्री, घोड़ा, गाड़ी हमारे पास है अगर वो छिन गई तो, ये भय हमको शांति नहीं लेने देता। भय, शोक, मोह, ये तीनों भाव से उत्पन्न होते हैं, और भाव बदलता है साई की शरण में जाने से। धीरे धीरे हम जो बीत गई है उसको भुलाने लगते हैं, और उन सभी चीजों को जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई थी उनको भूलने लगते हैं, अपने दुश्मन को भी मुआफ करने लगते हैं। हम वर्तमान में मोह की जगह आनंद ढूंढने लगते हैं। वी स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, enjoying everything that we have without actually being attached to it. और जब साई के चरणों में प्रीति हो जाती है तो भय का कोई काम नहीं होता। साई कथा अमरत्व देती हो या ना देती हो, साई कथा अभयत्व जरूर देती है। एक बार हम जब साईं की शरण में चले जाते हैं तो हम इतने कंपोज हो जाते हैं, इतने आश्रित हो जाते हैं उसके ऊपर कि हमें पता है कि अब जो कुछ होगा वो अच्छा ही है। तो साईं नाम है नित्य सुख, नित्य आनंद और नित्य शांति का। साईं ने कभी यह नहीं कहा कि तुम सुख, शांति और आनंद के लिए घर बार छोड़ दो, संन्यास ले लो, अपने आश्रितों को छोड़ दो, भगवा कपड़े पहन लो, अपनी काया को तकलीफ दो, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने भक्तों से हमेशा यही कहा कि तुम जहां हो, जैसे हो, जिस जगह रह रहे हो, उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ अपने सद्गुरु को समर्पित करते चलो, और फिर देखो कि वो तुम्हारे कार्यों को किस तरह निष्पादित कर देता है। द सद्गुरु मेक्स श्योर that we are at peace with our own selves. Nothing comes in between. Nothing robs us of the peace of mind. लोग कहते हैं कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मैं बाबा की प्रेरणा से ये कहता हूं कि मेरे मन में मेरे साईनाथ तू रहने आ जाए। मंदिर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, यदि साईं को हम अपने मन में, जो रहता है ऑलरेडी सोया हुआ है, हमने उसको उठने का मौका नहीं दिया, अगर हम उसको अपने अंदर ही जागृत कर लेंगे तो फिर हमको किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद जाकर, किसी चर्च में जाकर के मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आइए कोशिश करते हैं हम लोग एक साथ मिलकर के अपने साईं को अपने मन में बसाने की। मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए, मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए, मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए। मैं आंखें बंद करूं तेरा दर्शन हो जाए, हो जाए तेरे आने से मेरा जीवन ये सवर जाए। मेरे मन में मेरे मन में मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए, मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए। भावना है, बड़ी निश्चल भावना है बाबा की। तू बाबा मेरे मन में रहने आए, और जहां बाबा बस जाएंगे वो मंदिर जो है, वो मन जो है वो मंदिर बन जाएगा। देखिए मन ऑलरेडी है, साईं को मन के अंदर किया, मन के अंदर मंदिर। प्रणाम करूं बैठे बैठे साईं, मैं तुमको प्रणाम करूं। हर मुश्किल का साईं मैं काम तमाम करूं, हर मुश्किल का साईं मैं काम तमाम करूं।